स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रत राकेश टंडन। बात किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन को 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और अब किसानों ने आंदोलन को और तेज करने की रणनीति बनाई है। 19 तारीख से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। किसानों ने अब पूरे मॉनसून सत्र में संसद के घेराव का प्लान बनाया है। किसान 22 जुलाई से संसद का घेराव करेंगे। इसको लेकर किसानों ने एक खास रणनीति भी तैयार की है। 22 जुलाई से रोजाना 200 किसान बस से दिल्ली आएंगे और जब तक सत्र चलेगा वहीं रहेंगे। तभी संसद के बाहर और सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले 17 जुलाई को किसानों ने सभी विपक्षी दलों को वार्निंग लेटर भी जारी करने का प्लान बनाया है। इस वार्निंग लेटर के जरिए विपक्ष से सदन के अंदर किसानों का साथ देने को कहा जाएगा। किसानों के सरकार को घेरने के लिए 2 अलग अलग लेवल पर प्लान बनाया गया है। संसद के घेराव से पहले किसान 8 जुलाई को देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये प्रदर्शन पेट्रोल की जरूरत है, लेकिन उनकी यह सलाह उनके लिए शामत बन गई। इससे पहले बिजनेसमैन रैन जिनपियांग लापता हो गए थे। कारण यह था कि उन्होंने कोरोना से सही तरीके से नहीं निपटने के लिए शी जिनपिंग को मसखरा कहा था। बाद में रेन मिले तो जरूर, लेकिन 18 साल के लिए जेल भेज दिए गए। सच यह है कि चीन में पार्टी संगठन, सेना और सरकार में कहीं भी जिनपिंग के खिलाफ बोलने की गुंजाइश बची ही नहीं है। हाल ही में वहां के अधिकारियों ने पार्टी के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप में 20 लाख ऑनलाइन पोस्ट को डिलीट किया। कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार पीपुल्स डेली 2 बड़ी उपलब्धियों का बखान करता है, गरीबी खत्म करने और कोविड से निपटने की सरकार की कामयाबी। जिस कोरोना को रोकने का ढिंढोरा चीन पीटता है, दुनिया उसे चीन की सबसे बड़ी साजिश मानती है दुनिया के खिलाफ। आज सभी देशों की तरक्की औंधे मुंह गिरी हुई है। उस समय चीन ने इस साल की पहली तिमाही में 18.3% का विकास दर हासिल किया है। क्या यह सही है? क्या इसमें चीन की बड़ी साजिश नहीं है? जो बू आती है चीन की साजिश की, वो यूं ही नहीं है। शी जिनपिंग ने 2012 में जब कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख की हैसियत से अपनी गद्दी संभाली, सत्ता संभाली और कमान अपने हाथों मिली, उसके बाद से उन्होंने संगठन को मजबूत करने, सरकार को सख्त बनाने का काम किया और लगे हाथ देश के भीतर राष्ट्रवाद का एक अजीब सा माहौल तैयार किया। इसको समझना जरूरी है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा, समूचे संसार में चीन का डंका बजेगा। आर्थिक तरक्की के रास्ते पर वन बेल्ट वन रोड जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना चीन को आगे ले जाएगी और चीन के दायरे से अभी भी बाहर खड़े ताइवान जैसे देशों को चाइना का हिस्सा बनाया जाएगा। सारे चमचमाते संकल्प पार्टी के एजेंडे से जोड़ दिए गए, सरकार को उसको पूरा करने का हथियार बनाया गया और इन सारी उम्मीदों को जिनपिंग से जोड़ा गया। यानी कि महान चीन का मतलब महान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और महान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का मतलब महान शी जिनपिंग। वैसे एक बात यहां जोड़ना या बताना जरूरी है, चीन व्यवस्था के स्तर पर निरंकुश, दमनकारी, जन विरोधी, अलोकतांत्रिक जरूर है, लेकिन उसकी तरक्की पर गौर करना भी चाहिए। 1978 में जब चीन ने आर्थिक सुधार की शुरुआत की तो वहां प्रति व्यक्ति आय $155 थी, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति आय तब $210। भारत में तब कहीं ज्यादा समृद्धि थी, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि तब चीन में भारत से 26% ज्यादा गरीब थे, लेकिन 1978 के बाद चीन में तेजी से बदलाव आने लगा और अब वो दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। चीन के लोग भारत से 5 गुना ज्यादा अमीर हो चुके हैं। चीन की आर्थिक तरक्की भी कई तरह से मानवाधिकार के उल्लंघन, जुल्म, जाति शोषण के रास्ते से चलती जरूर है, चल भी रही है, लेकिन मोटी बात यह है कि जिनपिंग ने जिस तरीके से चीन की कमान अपने हाथ में लेकर के देश को आगे बढ़ाया है, उसको देखने समझने और उस मॉडल से कुछ सीखने समझने की जरूरत है। मगर असली मामला चीन के बुनियादी चरित्र का है, उस व्यवस्था का है जिसके तहत वो चलता है, उस मानसिकता का है जिसके तहत वो दुनिया के साथ व्यवहार करता है। भारत के लद्दाख से लेकर ताइवान और साउथ चाइना तक में सैनिक टकराव चीन लगातार मोल रहा है। वो उन सभी बातों के ठीक उलट है जो जिनपिंग ने माओ वाले कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल के जलसे पर देश और दुनिया के सामने कही। कुल मिलाकर के जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी वाला चीन अपने साथ कुछ लूले लंगड़े, उदंड उठाईगीर और कुछ गरीब मुल्कों को जोड़कर एक गैंग बनाए हुए है और वो उसका गैंगस्टर है। इस चीन को जानने, समझने, देखने और उसके साथ उसी की तरह का सलूक करने की जरूरत है। असत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे फिर अगले हफ्ते होगी।
मुद्दा नया होगा, मसला नया होगा। तब तक के लिए बीमारियां हाथों से भी फैलती हैं, इसीलिए डेटॉल हैंड वॉश जो दे आम हैंड वॉश के मुकाबले 10 गुना बेटर जर्म प्रोटेक्शन। अकेला डेटॉल हैंड वॉश ही है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित। डेटॉल हैंड वॉश हो घर तो बीमारी का कम डर। घर परिवार संभालना मेरी मर्जी थी, पर अपना कुछ करना मेरा सपना रहा। तो बस अपनी लाइफ को लॉकडाउन से निकाला और सोचा कि अब बहाने नहीं इरादे बनाते हैं। अपने दिल से डाउट मिटाओ, स्माइल करो और शुरू हो जाओ कोलगेट। ये रोहन ने तो सबकी छुट्टी कर दी, क्योंकि सर इसने प्रैक्टिस से कभी छुट्टी नहीं की। नो ऑफ्स, 100% अटेंडेंस। बीमार भी नहीं पड़ा। कैसे? उसकी माँ ही बता सकती है। डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ होगा। उसमें इस मसले को उठावे, ये भी उनको कहा गया है। और हर रोज 200 लोगों की बात हुई, 200 लोग बस से वहां पर जाएंगे, ठीक है, अपनी बात रखेंगे वहां पर। 22 तारीख हाँ, पार्लियामेंट जब शुरू हो जाएगा, वो तो शायद 17-18 से या 19 से शुरू हो रहा, लेकिन 22 तारीख से वो कंटिन्यू आ जाएगा, तो उसी दिन से शुरू हो जाएगा मामला। प्रोटेस्ट ही होता है, उसके बाहर जाएंगे तो सरकार को ये रहेगा कि भाई किसान यहाँ बाहर बैठा हुआ है। 200 लोगों से संसद गिरती है, 200 लोगों से एक मैसेज जाता है कि बॉर्डर पर किसान बैठा है, उनका प्रतिनिधित्व करने ही आए हैं। अगर पूरा देश का प्रतिनिधित्व 500-550 लोग कर सकते हैं, तो पूरा देश का प्रतिनिधित्व ये संगठन जो मोर्चा है ये कर रहा है, और इनका प्रतिनिधित्व जो 200 लोग जा रहे हैं वो करते हैं, तो उसको ये मानना है कि पूरा देश का किसान ये है। किसान नेता राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 200 लोग सिर्फ सांकेतिक होते हैं, कोई संसद घेरना नहीं, एक मैसेज देना है कि किसान इन बिलों के साथ नहीं खड़ा है। किसानों के संसद घेराव के मुद्दे पर बीजेपी और विपक्षी दलों का क्या कुछ कहना है, आप सुनिए एक बार। उनसे मेरा आग्रह है कि ये हकीकत जो वास्तविकता है, जो किसान के प्रति किसान संशोधनी जो तीनों विधेयक है बिल से या पारित हो गया है, उसमें किसानों का हित के विपरीत कुछ नहीं है। उसमें इस एजेंडा को कैसे उन लोग आगे बढ़ा रहे, इसके पीछे कौन है, थोड़ा किसान भाई लोग कुछ ठीक है, उनको एक अलग प्रकार से उनको शायद उसको अलग से गलत तरीके से शायद इंटरप्रेट भी किया हो। और किसान के प्रति हमारा जो दर्द है, हमारे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उससे भाग नहीं रहे हैं, किसान के साथ हम हमेशा खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेंगे। किसानों का आंदोलन शुरू हुए 7 महीने हो गए हैं, और पहले सरकार ने 2-3 बार बात भी की, लेकिन उसके बाद तो अब बात भी नहीं कर रहे हैं, उपेक्षापूर्ण पूरा व्यवहार है। और उनका ये फार्मूला है कि किसान थक के चले जाएंगे, लेकिन किसानों ने जो संकल्प किया है वो रुकने वाले नहीं है, थकने वाले नहीं है, जाने वाले नहीं है। और बजट सत्र जो मानसून सत्र पार्लियामेंट का 19 जुलाई से शुरू हो रहा है, और उन्होंने संकल्प लिया है कि 200 किसान पार्लियामेंट के बाहर धरने पे बैठेंगे, और ध्यान आकर्षण करने के लिए कि उनकी बात को सुना जाए, उनकी बात को माना जाए, और जो 3 काले कानून हैं उनको तत्काल वापस लिया जाए, और ये मांग उनकी जायज भी है। देखिए, किसान के साथ जो व्यवहार किया है ना मौजूदा सत्ता प्रतिष्ठान में, अहंकार शब्द छोटा पड़ गया है। आप वार्तालाप का नाम देते हैं, एकालाप करते हैं, माय वे और हाईवे, मेरी बात मान लो जो मैं कह रहा हूं। मेरा मानना है कि हम में से कोई, चाहे मंत्री हो, विपक्ष के नेता हो, किसानों की बेहतरी किसान से बेहतर कोई नहीं समझता है। अगर इतनी सी छोटी बात समझ में नहीं आ रही है, यानी कि सत्ता के गरूर ने आपको अंधा और बहरा दोनों बना दिया। पॉलिटिकल पार्टी के आपने रिएक्शन सुने, और इसको लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है, क्योंकि संसद का मानसून सत्र भी है, और किसानों ने कहा है कि हम आएंगे, वहीं धरने पर बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि विपक्ष जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस हमारा मुद्दा उठाए। हालांकि बिल
दोनों सदनों से पास हो चुका है। एक बड़ा पैनल किसानों के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। हमारे साथ शिवम छाबड़ा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अभय दुबे जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ नावेद सिद्दीकी भी जी होंगे जो समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ संजय सरकार है टीएमसी की ओर से, और सावित मलिक हमको ज्वाइन करेंगे जो कि अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। सीधे अपने पैनल की तरफ चलते हैं, सभी गेस्ट हमारे साथ हैं। पहला सवाल सीधे सीधे शिवम छाबड़ा जी आपसे। शिवम जी, कोई हल निकले? बार बार हमने देखा सरकार ने भी कहा बातचीत करिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि वन फोन कॉल अवे हम है, यानी प्रधानमंत्री ने कहा कि आप फोन करिए, हमसे बातचीत करिए, बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। 12 दौर की मीटिंग्स हो चुकी है, ये मामला हल क्यों नहीं हो पा रहा है? शिवम छाबड़ा। देखिए, आपने अपने प्रश्न के अंदर में ही मेरा उत्तर दे दिया। अब आप कल्पना करिए कि केंद्र सरकार और माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात के लिए इनिशिएट कर रहे हैं कि साहब बातचीत के अंदर बातचीत से ही समाधान कर सकता है। कहीं ना कहीं बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि साहब आप फॉर्मूला लेकर के आइए, हम उसको निराकरण करने के लिए तैयार हैं। हमने हर प्रकार से 12 दौर की जो आप बातचीत कह रहे हैं, हर दौर के अंदर में लंबी बातचीत हुई, लंबी बातचीत के बाद में उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया, लेकिन मुझे लगता है कि आप अडिग होकर के और जिद्दी होकर के काम नहीं बन सकता। मैं फिर कह रहा हूँ कि आंदोलन के अंदर में जो कुछ ऐसे तत्व हैं जो राजनीति घुस गए हैं, जिनकी मंशा राजनीति करनी है, और कहीं ना कहीं इस बात को भी अब नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, आने वाले दिनों में जो हम कहते हैं प्रदेश, कृषि प्रधान प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव नजदीक है, आपकी बात मान गया। एक राजनीतिक पार्टी होने के हैसियत से आपने ये बात कही कि उसमें राजनीतिक लोग आ गए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज पुश करें, एग्रीड। मैं आपसे शिवम एक चीज और समझना चाहता हूं, क्योंकि जितने भी किसान नेता हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर पर हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, टिकरी बॉर्डर पर हो, गाजीपुर बॉर्डर पर हो, सब एक ही चीज कह रहे थे कि हमको ये बिल नहीं चाहिए, हमको इसमें बिल मत दीजिए, और फिर कह रहे थे कि एमएसपी की गारंटी है, आप लिख के सरकार हमें दे दीजिए। इसमें कोई विपक्षी दल नहीं था जहां तक मेरी वो है, और हमने जब भी किसान नेताओं से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, सरकार बिल वापस ले ले, हम अभी घर चले जाएं। शिवम, देखिए रजत भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बार बार ये कहता हूं कि इन तीनों कानूनों के अंदर में किसानों को क्या आपत्ति है वो सरकार को बता दे, सरकार उन आपत्तियों को दूर कर देती है। दूसरी बात आपने कहा एमएसपी की, एमएसपी के विषय पर ना सिर्फ संसद में बल्कि देश के सर्वोच्च नेता जिसके प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने संसद के पटल पर विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इस बात को बहुत कैटेगोरिकली कह दिया कि साहब एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। और तो और मैंने कहा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अगर मेरी जानकारी गलत होगी तो रोहित भाई मुझे ठीक कर दीजिएगा। इस वर्ष की जो हम किसान जो उपज है सरकार ने किसानों से खरीदी है वो ऐतिहासिक दाम पर, वो देखिए वो जो भी चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश का शिवम किसान हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, शिवम हाँ वो यही कह रहा है कि साहब एमएसपी ठीक है, आपने अपना पॉइंट रखा है। अभय दुबे जी, क्योंकि शिवम ने सीधे सीधे पहली लाइन में ये कहा है कि राजनीतिक दल, विपक्षी दल इसमें आ गए हैं, इसलिए चुनाव में फायदा उठाना है, यूपी में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, इसलिए विपक्षी दल जो है वो फायदा उठाना चाहते हैं। अभय दुबे जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब तक कोई विपक्षी दल भी नहीं गया, आप कैसे देख रहे हैं? 12 बार बातचीत हो चुकी है विज्ञान भवन में, खुद प्रधानमंत्री ने कहा आप मुझसे बातचीत कर लीजिए, तोमर साहब बार बार कहते हैं बातचीत करिए, अब ये मसला सिर्फ बॉर्डर्स तक नहीं है, अब कहा जा रहा है कि साहब जिस दिन मानसून सत्र शुरू होगा उसके बाद से जो भी किसान संगठन बैठे हैं बॉर्डर्स पर वो संसद तक आएंगे, यानी संसद के बाहर किसान धरना देंगे। अभय दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने ये तीन काले कानून दो पूंजीपतियों के विमर्श करके बना, इसलिए किसानों के लिए जो उन्होंने किया है वो भगादो और भगादो की नीति पर काम किया, प्रताड़ित करो और परास्त करो नीति पर काम किया, फूट पर किया।
सरकार 16 संशोधन का एक प्रस्ताव रखती है तो वो किस मुंह से कहती है कि इस कानून में कोई खोट नहीं है। हाल भारत देख सबसे सरकार ने वो ये किया है कि पल्स की स्टॉक लिमिट, दालों की स्टॉक लिमिट तय कर दी। उन्होंने कहा दाल के भाव बहुत बढ़ रहे हैं इसलिए हम जमा पर प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये कानून लागू रहेगा तो इस कानून में जो फूड प्रोसेसर्स हैं और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हैं उनको असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति। वो कौन है? सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग पार्क अहमदाबाद में अडानी साहब का है। अब बाबा, कुछ बाबा और दादा भी इस व्यापार में कूद गए हैं। ये आरोप सीएसीपी ने, लागत और मूल्य आयोग ने, गंभीर बात कह रहा हूं, खुद सरकार के आयोग ने सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दाल प्रिक्योर करती सरकार तो कोई पीडीएस में नहीं देती, ऐसे समय बाजार में उतारती जब फसलें आने वाली होती और प्राइसेस क्रेश करा देती। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, खरीफ की फसल में प्रधानमंत्री जी ने अभी एमएसपी के रेट तय किए। चार राज्यों के उदाहरण देता हूं, उस जो लागत और मूल्य आयोग तय करता है उसमें जो धान है उसका एमएसपी तय किया 1940 रुपए, भेजा है कि हमारे यहां लागत ही 1935 रुपए आती। ज्वार का इन्होंने तय किया है 2738 रुपए। कर्नाटक ने लागत और मूल्य आयोग को भेजा है कि जितनी एमएसपी दे रहे उससे ज्यादा लागत 2888 रुपए। बाजरा का 2250 रुपए। महाराष्ट्र कह रहा है कि 2335 रुपए आती। मक्का का 1870 रुपए तय किया खुद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री का राज्य गुजरात, वो कह रहा है 2061 रुपए। मतलब जितनी तुम समर्थन मूल्य तय कर रहे हो उससे ज्यादा लागत आ रही। आखिरी बात देखिए, मैं एक पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, मंत्रियों से, आज जब ये कानून स्थगित है तो क्या इंटर स्टेट ट्रेन बंद हो गया? क्या यूनिफाइड सिंगल लाइसेंस बंद हो गया? क्या किसान बाहर व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिए गए? अभी जी एक छोटा सा पॉइंट, क्योंकि मैं, आप भी पूरा होमवर्क करके आए, मैंने भी थोड़ी वक्त पढ़ाई करी। सरकार का पक्ष ये था कि जो आप कहिए किसान मंडियों के बीच में जो दलाल थे वो दलाल मिडिलमैन खत्म हो जाएंगे इन कानूनों के आने से। और अमूमन आप कोई भी नया कानून लाइए, कोई भी नई क्रांति लाइए तो हमेशा उसका विरोध होता है। ये विरोध शायद कुछ लंबा चल गया है। अब आपकी नसीहत एज अ प्राइम अपोजिशन पार्टी, देश में कांग्रेस पार्टी है, आपकी नसीहत क्या है? क्योंकि किसान घर जा नहीं रहे, कोविड का काम है, बैठे भी हुए हैं, लाल किले पर जो हुआ वो हमारे आपके सामने है, विपक्षी दल की हैसियत से आप क्या सलाह देना चाहें? क्योंकि बिल तो दोनों हाउसेस से पास हुआ है अभी जी। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये तो सरकार की जो मंशा थी पहले बता देता हूं। जनवरी 2014 में एक सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो एक आदेश निकाला था कि कोई भी कानून पहले पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, उसके बाद पार्लियामेंट में लेकर आएंगे। ये बाकायदा ऑर्डर इशू किया, वो सरकार ने नहीं किया, उसका उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट में झूठा एफिडेविट दे दिया कि स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन किया हमने। आरटीआई के जवाब ये दिया दिसंबर में कि ऐसा कोई कंसल्टेशन के कागजात उनके पास नहीं है। तो सरकार ने सफेद झूठ बोला। अब खामी क्या है? अगर आप इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में असीमित मात्रा की संग्रहण की अनुमति दे रही है सरकार, तो फिर किसानों को समर्थन मूल्य का कानूनी जामा पहना दीजिए। इसमें एक रुपए का भी बर्डन सरकार पर नहीं आएगा। हम निजी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि आप ये कानून इस प्रकार का लेकर आए। दूसरी बात, जो समर्थन मूल्य पर खरीदती है सरकार, वो सिर्फ खरीदती है आपका एक तो पीडीएस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कंटेंजेंसी के लिए। वो कभी भी 6-8% से ऊपर नहीं होता। उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, 378 लाख टन गेहूं होता है, 32% कुल उत्पादन का देश के, सिर्फ 56 लाख टन प्रिक्योर करता है वो, और पंजाब 132 लाख टन प्रिक्योर करता है। तो प्रधानमंत्री जी, किसानों के साथ न्याय कीजिए, लूटिए मत उनको, ये कानून हटाइए, किसानों के साथ बैठ जाइए, जो वो कहेंगे उसमें हम सब सहमत हैं। ठीक है, साविक मलिक जी हैं, अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। साविक जी, क्योंकि बात किसानों की चल रही है, दो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी बात रखी है, अब किसान कह रहे हैं साहब हम तो संसद तक जाएंगे, दिल्ली में आएंगे, बस से जाएंगे। साविक साहब, हल कैसे निकलेगा? क्योंकि सरकार कह रही है हम बिल वापस नहीं लेंगे, बिल्कुल क्लियरिटी है, संशोधन बता दीजिए कर दें, जो कहिए कर दें, बिल वापस लेने के मूड में सरकार दिख नहीं रही। 7 महीने हो गए आप भी संघर्ष कर रहे हैं। साविक मलिक जी, नंद जी, ये लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठकर झूठ बोलने का काम करते हैं, पूरा देश इनको देखता है। ये खुद कह रहे हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। फिर हमारा गेहूं क्यों 1400 और 1500 रुपए में बिक रहा है?
किसान इतनी सी बात कर रहा है कि जो आपकी सरकारी एजेंसियां मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP तय करती हैं, हमको उसकी गारंटी दे दीजिए। हाँ। एक तरफ तो ये कहते हैं कि उसकी गारंटी है, जब उसकी गारंटी है आप लोकसभा में कहते हो, बड़े मंच पे कहते हो, मुख्यमंत्री रहते हुए लेटर लिखते हो, और इधर वहां पर मिलती नहीं है। आज MSP 1975 रुपए है गेहूं की, गेहूं 1400-1500 रुपए बिक रहा है। छावड़ा जी रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि जब ठीक है, आप ठीक है सावित जी, 1975 रुपए का खरीद सावित जी, सावित जी, सावित जी, 1400 रुपए का क्यों बिकवाना चाहते हो? सावित जी 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ, सावित जी 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ, उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। सावित जी 30 सेकंड के लिए, हमारी मांग है सावित जी 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूँ। आप शिवम, आप सावित जी को रिस्पॉन्ड कर सकते हो, कह रहे हैं साहब आप MSP लिख रहे हो लेकिन 1400-1500 के ऊपर बिक ही नहीं रहा है धान। शिवम छाबड़ा, मैं बेबुनियाद बात है ये, मुझे नहीं पता कौन से कहां पे 1400-1500 बिक रहा है, लेकिन जिस MSP की दर पर गेहूं बिकना चाहिए उससे ही बिक रहा है। और मैं केवल ये कह रहा हूँ, इन तीनों एक्ट के माध्यम से मलिक साहब ये कहते हैं कि साहब मंडियों के अंदर में गेहूं बिक रहा है तय, लेकिन एक पैरेलल दुकान खोल करके किसी किसान भाई को वहां से, क्योंकि आप अपने घर से निकलते नहीं, आप तो मंडी में बेचने नहीं जाते हो, साहब तो आपत्ति क्यों आएंगे? तो किसान देता ये बात बता देंगे। ठीक है, जब आप मंडी में बेच जाओगे तब आपको पता लगेगा, गेहूं को बेचे मुझे कोई आपत्ति नहीं। शिवम, किसान भाइयों को शिवम देखिए, किसान दूसरी दुकान में मिलता है नहीं। शिवम 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 शिवम, मैं कह रहा हूँ, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक व्यू पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मलिक साहब किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पैनल में, वो कह रहे हैं साहब हमको नहीं मिल रहा है जो आप MSP का वादा हुआ था, कहा हम लोग भी कह रहे थे कि लिखित रूप में दे दीजिए, वो कह रहे हैं साहब नहीं मिल रहा है पैसा। रजत भाई, मैं तो सरकारी आंकड़ों पर विश्वास करूंगा ना, मुझे आप बता दीजिए कहाँ नहीं मिल रहा है और कौन सी मंडी इनको ऑफर नहीं कर रही, ये भी तो बता दें। बताइए मलिक साहब, राजनीतिक आरोप ना सब, मलिक साहब आप कौन सी मंडी में नहीं मिला बताइए, है ना रूप से राजनीतिक हो गए हैं, सबके मंशा जो है उत्तर प्रदेश चुनाव और पंजाब चुनाव दिख रहा है। ठीक है ठीक है, ठीक है, दिक्कत ये हो गई। चलिए, आपने क्योंकि उत्तर प्रदेश और चुनाव दोनों की बात एक साथ कर दी है, हमारे साथ नावेद साहब भी है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। नावेद साहब, यूपी में चुनाव है, विपक्षी दल जो है वो फायदा उठा रहे हैं इसी बात का कि जितना से ज्यादा माइलेज मिल सके, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो चुके किसानों द्वारा, हालांकि जो अभी चुनाव हुए जिला पंचायत के उसमें टिकैत साहब का जो गांव था वहां से भी जिला पंचायत जो था वो बीजेपी ही समर्थित जीता है। नावेद साहब आवाज मिल रही है आपको? नावेद साहब आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी, आपकी आवाज आ रही है मेरे पास, लेकिन बहुत डिस्टॉर्शन है और बहुत खोकर आ रही है। नावेद साहब, मेरा सीधा सवाल यह है, यूपी में चुनाव है, क्या समाजवादी पार्टी किसानों के कंधों पर रखकर बंदूक चला रही है, किसान आंदोलन का फायदा उठाना चाहती है? नावेद साहब, सॉरी आई एम अनेबल टू हियर, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, PCR एक बार आप कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा नावे साहब से। हम संजय सरकार जी भी हमारे साथ हैं जो कि TMC को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सरकार साहब, नावे साहब आपके पास आऊंगा, एक बार PCR आप चेक करेगा क्यों नहीं ऑडियो आ रहा है। सरकार साहब, अब गेंद विपक्षी दलों के पास भी है, क्योंकि किसान नेताओं का ये कहना है कि हम जब बाहर बैठेंगे तो हम एक वार्निंग लेटर्स भी देंगे पॉलिटिकल पार्टीज को, जो विपक्ष के दल है, कि आप हमारी मांग को उठाइए, आप हमारी लड़ाई लड़िए, और वो वार्निंग लेटर आपको थोड़े दिन में मिल जाएगा। सरकार साहब, देखिए मैं एक शब्द, जो भगवान को सौदा करता है वो इंसानों को कीमत का जाने, जो धानों को कीमत देने सके वो किसानों को कीमत का जाने। ये सरकार को जो स्थिति है, जो मैंने सर्वे किए हैं, जो मैंने पार्टी ने सर्वे किए हैं, हिंदुस्तान को किसान जो है आज बहुत बुरे स्थिति में है। स्थिति में कैसे, देखिए फर्टिलाइजर में उसको सब्सिडी मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। सीड में मतलब बीज में उसको सब्सिडी मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। वाटर पंप में उसको सब्सिडी मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में उसको सब्सिडी मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। पहले डीजल में किसान को सब्सिडी मिलता था, वो नहीं मिल रहा है आज के तारीख में। और क्या नहीं मिल रहे हैं आज के तारीख में,
गवर्नमेंट के तरफ से उसको किसान क्रेडिट कार्ड देना चाहिए, हाँ। बंगाल गवर्नमेंट जो चालू किया है, लेकिन हिंदुस्तान के जो कोई भी जगह में ये चालू नहीं हुआ। किसान बीमा 5 लाख रुपया, किसान क्रेडिट कार्ड 5 लाख रुपया, ठीक है, किसान मंडी फ्री में बनाया गया है उनके लिए। मैं आपको आज बता रहा हूँ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो है उनके लिए, और ग्रामीण बैंक जो रहता है उनके लोन लेने के लिए जब जाता है बहुत परेशानी होता है। नीरव मोदी को लोन लेने के लिए दिक्कत नहीं होता है, लेकिन किसान को लोन लेने के लिए जाने पर बहुत सारे फॉर्मेलिटीज देने पड़ते हैं। अन्नदाता के बीच में अगर इतना तकलीफ आ जाएंगे तो अन्नदाता रास्ता में नहीं आएंगे। अगर अन्नदाता आंदोलन करता है तो आप उसको राष्ट्रद्रोही बोलते हैं। सरकार साहब, मेरा सीधा सवाल ये है, टीएमसी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा में, आप टीएमसी क्या करेगी? क्या जब किसान बाहर संसद के बैठ जाएंगे आप लोग उस मुद्दे को उठाएंगे? मैं अभय दुबे जी आपके पास भी आऊंगा कि स्टैंड क्या रहेगा, लेकिन अब तो गेंद जो है वो सरकार से ज्यादा जो उम्मीदें हैं किसानों को वो विपक्षी दलों से। वो कह रहे हैं साहब हम वार्निंग लेटर देंगे, आप हमारी मुश्किल साम कराइए, और ये राजनीतिक का आप कह सकते हैं एक कदम होगा जिसमें विपक्षी पार्टियों को बात करना पड़ेगा किसान के मुद्दों पर, और लोकसभा राज्यसभा वहां से बिल पास हो चुका है, तो अब आप बात क्या करेंगे? देखिए, मैं संसद में ये बात 100% उठाएंगे किसानों को फेवर में, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो किसान अपना हक के लिए लड़ रहे हैं, जो अन्नदाता देश को बचा रहे हैं, उसके लिए हम राज्यसभा लोकसभा दोनों सदन में किसान के पक्ष में हम लोग बात रखेंगे। और मानू भाई, ये डिक्टेटर चल रहा है, हिटलर का सरकार चल रहा है, नरेंद्र मोदी इसको मानने वाला नहीं है, और हम लोग ये आंदोलन को हम लोग कंटिन्यू उसको सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करना भी चाहिए। ठीक है अभय दुबे जी, क्योंकि बात संसद तक आ गई है, पहली बात मैं ये जानना चाहूंगा, क्या कांग्रेस राजी है इस बात से कि किसान संगठन जो है वो संसद के बाहर आकर वहां बैठे प्रोटेस्ट करें? पहला, लॉ एंड ऑर्डर वाली बड़ी इशू है, हम देख चुके हैं 26 जनवरी को क्या हुआ था। दूसरा, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा? हालांकि अभी स्ट्रेटजी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन किसानों को लेकर क्या स्टैंड रहेगा? क्या आप लोग पुश करेंगे दोनों हाउसेज में, सरकार पर दबाव बनाएंगे? अभय दुबे जी, असंवैधानिक तरीका इख्तियार किया सरकार ने पास करने में भी। आपने देखा, पूरे देश ने देखा कि राज्यसभा में वोट डिवीजन मांगा था, उन्होंने सारे कर दिए और अनैतिक से उसको नहीं किया और ये कानून पास कर दिए। बड़ी बात है, मोदी सरकार का अगर कृतित्व देखोगे 14 से ही, जैसे ही प्रधानमंत्री बने मोदी जी, वो 3 लैंड फील ऑर्डिनेंस एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आए, किसानों की जमीन हथियाने का कानून। 2016 में कहा कि विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना ला रहे हैं। आज 26,000 करोड़ रुपए निजी कंपनियों के खातों में खरीफ 2016 से आज तक इन्होंने डाले जब से योजना चालू की। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि कॉस्ट का 50% देंगे तो मार्केट फ्रॉड हो जाएगा। 2018 में इन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि लेके आ जाएगा। आज दायरे से बाहर लागत 15,000 रुपए हेक्टेयर बढ़ा दी मोदी जी ने, जल में बढ़ा, कीटनाशक में बढ़ा है, फर्टिलाइजर जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है उसका रेट को रिव्यू नहीं किया। खुद लागत और मूल्य आयोग कह रहा है कि लागत निकालने का तरीका ही मोदी सरकार का गलत है। 2020 में अन्नदाता आश्रय योजना थी, प्राइस इंटरवेंशन, अगर कीमत बाजार में नहीं मिलती तो सरकार उस कीमत के एवज में किसानों के खातों में सीधे पैसे देती या खरीद करती, उसका बजट खुद लागत और मूल्य आयोग कह रहा है कि 3 गुना घटा दिया है मोदी सरकार ने। फिर ये 3 काले कानून मोदी सरकार बोलकर सुन, ये काले कानून वापस लेना पड़ेंगे हर हाल में, आपको घुटने टेकने पड़ेंगे अन्नदाता भाग्य विधाता किसान के आगे, और उनकी मर्जी से जो वो चाहे सब लोग बैठ कर, क्योंकि ये मैं एक बात बताऊं आपको, 2003 से ही एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के नाम से 25 राज्यों में लगभग ये चीजें लागू है, सिर्फ इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के असीमित मात्रा में संग्रहण को छोड़कर। अभी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, ठीक है आप अनडेमोक्रेटिक कह सकते हैं, बुलडोज कह सकते हैं, लेकिन दोनों कानून पास हुए हैं लोकसभा से और राज्यसभा से, और ठीक है वोटिंग नहीं हो पाई, लेकिन बहस में जितने भी दल थे, मैं खुद लोकसभा में मौजूद था जब ये बिल पास हो रहा था, जितने भी दल थे सबको बोलने का मौका मिला था, जिसने जिसने जो जो बात कहनी थी सबने रखी थी, वोटिंग ठीक है राज्यसभा में नहीं हुई, लोकसभा में जितने अमेंडमेंट्स थे सब पुट ऑन वोट थे, अभय जी मैं मौजूद था। अब विपक्ष क्या करेगा, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक तरफ किसान है, एक तरफ सरकार है, पार्लियामेंट है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, कोविड का समय है, विपक्ष की भूमिका आप कैसे आप देख रहे हैं? प्रतिपक्ष तो संभव भूमिका नहीं निभाएगा, ये कानून स्थगित है अभी,
चाहे सर्वोच्च अदालत के माध्यम से ही स्थगित है। ये सवाल हम खड़ा करेंगे सदन में कि बताइए किसानों की सेहत पे आखिर फर्क क्या पड़ा, सिवाय इसके कि पूंजीपतियों पर रोक लग गई असीमित मात्रा में संग्रहण की, और वो ऑर्डर आज जो सरकार ने इशू किया है वो ऑर्डर इशू नहीं कर सकती थी अगर ये कानून लागू रहते। कानून लागू रहते तो किसानों को नुकसान था, ये बात खुद सरकार, ये ऑर्डर जो पल्सेस का इशू किया है, जो स्टॉक लिमिट पर प्रतिबंध लगाया है, उससे साफ हो जाता है। तो ये सरकार को साफ समझना होगा, प्रजातंत्र में सरकार का कद बड़ा होगा अगर सरकार किसानों के आगे झुक जाएगी तो, ठीक है, ये समझना चाहिए, नहीं तो प्रजातंत्र में, ठीक है शिवम, आने वाले समय में चुनाव भी है। अभय जी कह रहे हैं कि भाई किसानों की बात मान लीजिए, जबरदस्ती हट करने से क्या फायदा है? अरे भाई मैं तो बार बार अभय जी से ये पूछ रहा हूं, इन तीन अभी उन्होंने बात कही कि किसानों की जमीन पर खतरा आ जाएगा, मैं इनसे बहुत चैलेंज के तहत कहता हूं, अभय जी तीनों कानून के अंदर क्या काला है इसका बता दीजिए। टंडन जी मैं बताता हूँ इनको, एक मिनट आ रहा हूँ मलिक जी, एक मिनट आ रहा हूँ, कह दिया। अब तो आपको क्या है किसान, इनको कहो कि चले जाए छोड़कर किसी भी जगह जाकर के, ठीक है। नहीं शिवम जी एक मिनट, शिवम जी साथ अपनी अपन को ठग सके। हाँ शिवम जी एक मिनट दीजिएगा, शिवम जी आप ये जो चैलेंज आपने किया है ये सिर्फ अभय दुबे जी के लिए भी है या साबित मलिक जी भी कहेंगे तो आप मान जाएंगे? आवाज आ रही है शिवम छाबड़ा आपको? शिवम क्या आपको आवाज मिल रही है? ठीक है जी जी बोलिए बोलिए। शिवम जी ये जो चैलेंज आपने किया है, तीन पॉइंट्स बताइए कि ये कानून काले क्यों है, ये सिर्फ अभय दुबे जी के लिए है या साबित मलिक जी के लिए भी है? शिवम आवाज, मैंने कहा ना सभी के लिए है, सभी के लिए, ठीक है भाई। इस कानून में काला क्या है वो बता दें, और मैं फिर कह रहा हूं यदि इस, अगर वैसे मेरे हिसाब से, मेरी सरकार के हिसाब से ये कानून जिस फॉर्म में है इसमें किसानों के हित के लिए है। हाँ ठीक है इस, ये जो चैलेंज आपने दिया है तीन पॉइंट्स वाला, इसके लिए अभय जी आपके पास भी आऊंगा, साबित मलिक आपके पास भी आऊंगा, ठीक है, एग्रीड, दोनों लोग चैलेंज आपका स्वीकार कर रहे हैं और आप तीन पॉइंट्स क्या हैं दोनों लोग से बताएंगे, लेकिन एक 30 सेकंड का समय दीजिएगा आप लोग, एक नजर मार लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। किसानों ने अब ऐलान कर दिया है कि वो मानसून सत्र में संसद तक जाएंगे, बाहर बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और विपक्षी दलों को मजबूर करेंगे कि इस मुद्दे को उठाया जाए। एक लंबा चौड़ा पैनल है, हम सीधे अपने पैनल पर वापस चलते हैं। हेडलाइन से पहले आपने शिवम जी एक चैलेंज दिया है और कहा है कि ये चैलेंज दोनों के पास है, क्योंकि अभय जी आपके पास आऊंगा ये चैलेंज लेके, आपको तीन पॉइंट गिनाने होंगे, लेकिन उससे पहले साबित मलिक जी तीन पॉइंट जल्दी से बताइए। शिवम जी ने कहा अगर तीन पॉइंट बता देंगे तो छोड़ के चले जाएंगे, हालांकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि शिवम जी जाएं, शिवम जी मेरे गेस्ट हैं, लेकिन तीन पॉइंट ये कानून काला क्यों है? मलिक साहब मैं इनको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। हाँ सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से देश नहीं चलता है। सबसे पहले इस पर जो बिल है उसमें अध्याय 3(2)(4) पर लिखा है कि SDM जो फैसला करेगा वो फैसला बाध्यकारी होगा और उसका जो दंड होगा वो डिग्री के समान होगा और उसकी वसूली भू राजस्व के द्वारा की जाएगी। भू राजस्व का मतलब होता है कि किसान की जमीन नीलाम कर ली जाएगी। एक बिल का, ये तीनों बिलों में एक एक बता दूंगा इनको। दूसरा, भंडारण की अक्षमता खत्म करने से देश में महंगाई बढ़ेगी और इनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा और हमारा रोटी तिजोरी में बंद हो जाएगी, ठीक है। तीसरा, मंडी में टैक्स लगता है और बाहर जो खरीदते हैं उसमें टैक्स नहीं लगता। धीरे धीरे करके मंडियां खत्म हो जाएंगी और वो हाल होगा जो बिहार में हो रहा है, जो 2006 में किया, वहां धान 900 रुपए बिक रहा था, पंजाब में 1868 बिक रहा था। दूसरा, एक छोटे से मैं इनका पूरा जवाब दे देता हूं,
अगर ये अपने कृषि मंत्री की और पीयूष गोयल जी की बात मानते हो, उन्होंने खुद कहा है कि इसमें 18 बदलाव हम करने को तैयार हैं, यानी कि वो 18 काली चीजें हैं। ठीक है शिवम, आप बदलना चाहते हो शिवम, 18 काली चीजें हैं जिसको आप बदलना चाहते हैं, मलिक साहब ने साफ कहा और बहुत संक्षेप में उन्होंने समझाया, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद अभय जी आपके पास आऊंगा। शिवम की जमीन को नीलाम किया जाएगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। उनका उसका उस क्लॉज का पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे हो, अरे सुन तो लो मलिक साहब जवाब दे, लिखे हो अपने कानून बनाए उसको पढ़ो। आपने मैं सब राहुल पढ़ के बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे नहीं चलेगा मलिक साहब। आपकी बात का जवाब तो ले लो सर, काहे को इस बात पर टिकैत की तरह बोलते रहते हो, सुन तो लो कम से कम, सुनने की भी हाथ डाल लो आप लोग। अरे भैया झूठ बोलोगे तो नहीं सुनेंगे। कि उसको स्पीड अप करने का एक प्रक्रिया थी, लेकिन यदि फिर भी इनको लगता है तो सरकार ने, अगर ये अगर मलिक साहब वास्तव में किसान नेता है और उस जमात के हिस्सा है, तो इनको पता होना चाहिए कि बैठक के दौरान में कृषि मंत्री जी ने कहा कि ठीक है अगर आपको इस पे आपत्ति है इसका भी निस्तारण कर देते हैं, अमेंडमेंट ले आते हैं, ठीक कर देते हैं। लेकिन तो यार बगैर तली के लौटे हो, दोनों तरफ घूमते हो। दूसरी बात आपने कहा कि मंडी खत्म हो जाएगी, अभी तो ठीक है सुन तो लो मलिक साहब, बदलते तो बदलते। ठीक है मलिक साहब एक मिनट, ये तो अन्यायपूर्ण बात है। इससे बड़ी बात क्या कर रहे हैं मलिक जी, मलिक जी आपने देखिए कई बड़ी चीजें उठाई है मलिक जी। मंडियां खत्म हो जाएंगी, टैक्सेशन लगता है, मंडियां खत्म हो जाएंगी, ठीक है। बार बार देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, ठीक है, मंडी व्यवस्था जारी रहे। आपने अपना एक अपना पॉइंट रखा है, मलिक साहब का अपना सोचना है, एक मिनट आ रहा हूँ एक मिनट। मलिक साहब अगर ऐसे सब लोग बोलेंगे तो मुझे लगता है नहीं कि सार्थक डिबेट हो पाएगी। एक मिनट आ रहा हूँ मलिक साहब। और अगर वास्तव में सरकार की मंशा मंडियों की व्यवस्था को खत्म करने का था, तो मुझे बताइए केंद्र सरकार क्यों मंडी व्यवस्था को और बेहतर करने के नई मंडियों का निर्माण कर। ठीक है ठीक है, जो ये मंडी की व्यवस्था को लेकर मलिक साहब आ रहा हूँ एक मिनट विश्वास मानिए रजत भाई। ठीक है, ये साबित मलिक जैसे लोग जो है जो राजनीति करने पर उतारू है, नहीं कोई राजनीति कर रहे हैं, लेवल में भोले भाले किसानों को बतलाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि आप नावेद साहब भी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। आ रहा हूँ मलिक साहब। एक मिनट रुकिए, एक मिनट दीजिए, आ रहा हूँ। सेकंड दे दीजिए, ये बगैर तली के लौटे, एक तरफ कहते हैं काला बताओ, एक तरफ हम बताते हैं तो कहते हैं बदल देंगे। ये मानो कि काला है अपने मुंह से कहो, जब काला है जब तो आप बदलना चाहते हो। ठीक है ठीक है ठीक है, ये बहस आगे चलती रही है। आपने कहा ठीक है। मुझे एक मिनट के नावेद साहब के पास जाना है। नावेद साहब एक मिनट आ रहा हूँ मलिक साहब। नावेद साहब आप नहीं थे क्योंकि ऑडियो में प्रॉब्लम थी, और उस समय ये छावड़ा साहब ने ये आरोप लगाया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्या आप लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन का, जिसमें आपको उसका माइलेज मिल सके, वोट्स मिल सके? नावेद साहब रजत भाई, ऐसा है शुरू से ही राजनीति के बाद, चुनाव तो अभी शुरू हुए हैं लेकिन ये मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा है, और इस तरह से जानते हैं कि हम लोग लगातार किसान भाइयों को देश में हीरो होते हैं, एक तो जनता है और दूसरा किसान होता है, एक पर पहरा देता और एक से हमें सुन रहा था आपकी डिबेट में, मैं बोल पाया तो मुझे प्रॉब्लम, लेकिन सुन जो रहा था ये पता लगा कहा तीन काली चीजें आप बता दीजिए, आपने कहा कि 18 काली चीजें, या 18 की बात कि दाल में कुछ कहा दाल काली अब काली, यहाँ 18 का तो भाई पर हम किसान भाइयों के साथ खड़े हैं, अंदर से कहा मिला गया और ये देखने के लिए ये बहुत बड़ी ताकती हो रही है, उनसे राय दिए, उनसे मशवरा, ये जो आप तरह से डिसीजन ले लेते हैं ये संविधान के खिलाफ है, ये होना चाहिए। जो आप की वजह से करते हैं, जिनके आप बैठते हैं, जिनकी वजह से आप हिंदुस्तान के वजीर आजम, कम से कम ये सोचना चाहिए कि ऐसी वजह तो हम थोड़ा सुने, हम मिलाए तो बात करके इससे ठीक है तरफ डलिए हूँ, फिर आ रहा हूँ सरकार साहब, आ रहा हूँ आप दो लोग अपने देश में जो
रखें आपका अभी फोन करके बैठा क्यों सकता है? ठीक है, जवाब दे कि किसान भाई इसका हाँ ठीक है। एक सरकार से वाजिब सवाल और सेंसिबल सवाल आप कह रहे हैं, सरकार को बातचीत करनी चाहिए, वजीर आजम को बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, आऊंगा चावड़ा जी, आपसे रिएक्शन लूंगा, सरकार साहब आप पास आऊंगा। अबे जी काला क्या है कानून में, तीन पॉइंट में बताइए। चावड़ा जी ने पहला चैलेंज आप ही के नाम से दिया था, तीन पॉइंट में बताइए कानून में काला क्या है। हाँ बिल्कुल रजत जी, मैं बता रहा हूँ, तब तक छाबड़ा जी भी ये चुनौती स्वीकार करे, तीनों कानूनों के नाम बताएं कम से कम। मैं बता रहा हूँ आपको, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट खोलिए, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का सेक्शन 2 खोलिए, उसमें 1A ऐड किया है। 1A में क्या लिख दिया सरकार ने, प्रोवाइडेड दैट सच ऑर्डर ऑफ रेगुलेटिंग स्टॉक लिमिट शेल नॉट अप्लाई, शेल यूज कर रहे हैं, शेल नॉट अप्लाई टू एनी ऑर्डर, शेल नॉट अप्लाई टू प्रोसेसर और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब फूड प्रोसेसर वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट कौन है साहब, हिंदुस्तान के सबसे बड़े बता दीजिए जरा। ये खेल कब चालू हुआ वो भी मैं बताता हूँ। हिंदुस्तान में 2015 से 17 तक जो दाल का खेल हुआ है ना, 230 रुपए किलो दाल बिकी, क्यों? इंपोर्ट की गई सस्ती दालें विदेशों से, और यहां पर आर्टिफिशियल क्राइसिस बताए गए क्योंकि होल्डर्स ने बड़ी मात्रा में स्टॉक करके रख ली थी। देश में खूब हल्ला मचा, इनके खिलाफ जब हल्ला हुआ तो ये डर गए, इनको लगा कि कोई अधिकृत फ्रेमवर्क ऐसा होना चाहिए कि हम जितना चाहे उतनी जमाखोरी कर सकें और प्राइसेस क्रैश कराएं किसानों के, क्योंकि वो जानते हैं कि पूरा अनाज सरकार खरीदती नहीं है, फिर 6-8% खरीदती है, तो इस बाजार पे कब्जे का एक सुनियोजित षड्यंत्र 2 साल से चल रहा था। इसके बाद जो इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें सेक्शन 7(1) और 2, उसमें सिविल कोर्ट को का प्रोहिबिशन है, नहीं तो सीपीसी में प्रोविजन था कि वो कॉग्निसेंस ले सकती थी, तो किसान को कोर्ट जाने के अधिकार से रोका। ये कह रहे हैं कि मंडियां बंद नहीं होगी, अरे साहब जिस दिन मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे उस दिन मंडी सचिव ने नोटिफिकेशन जारी किए, सरकारी अधिकारी ने, उन 50 मंडियां बंद हो गई उसके नोटिफिकेशन बताए कि नॉन अराइवल 0। जानते हैं आप, अगर ये कानून स्थगित नहीं होता तो समूचे देश की मंडियों में नॉन अराइवल वाली मंडियां पूरे देश में हो जाती। ये बड़ी बात सरकार को समझनी चाहिए कि आप ये तीनों कानून स्थगित है, मैं फिर से पूछ रहा हूँ सवाल दिए, इसका जवाब दीजिए, जब ये तीनों कानून स्थगित है, सुनिए तीनों कानून स्थगित है, शिवम जी चैलेंज आपने दिया सुन तो लीजिए, चैलेंज आपने दिया एक बार सुन लीजिए। अबे जी बोलिए जल्दी से जी। तीसरा मंडियों के मैंने तो हमने सूची भी जारी की थी, उसको ट्वीट भी किया था। शिवम जी तीनों कानूनों के नाम बताइए, चलिए आप अगर डिबेट में आए सरकार की तरफ से नाम बता दीजिए, नाम बताइए चलिए। हमने तो तीन क्लास बताए, तीनों एक लेकर बैठा हूँ, उसके सारे कानूनों को काला किया है मैं बता सकता हूँ। पंजाब ने, राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ में, जानते हैं एक मिनट जिसको मोदी सरकार की, अबे जी अभी संसद चलेगा 19 तारीख से, अबे जी एक मिनट शिवम जी, राजनीति करते हैं जिनको ये नहीं पता, जिनको ये गवारा नहीं है कि साहब मंडी व्यवस्था जारी है। शिवम जी जाकर के अपना दाव बेचिए, शिवम जी, शिवम जी, शिवम चावड़ा जी, आपको समस्या क्या है ये तो बताइए। शिवम चावड़ा जी तो बताते नहीं है। दूसरी बात, तीनों एक्ट के अंदर में आप एक्ट की बात कर रहे हैं, शिवम जी, शिवम जी, शिवम चावड़ा जी बात सुन लीजिए, शिवम जी, शिवम जी एक मिनट, अबे जी एक मिनट आ रहा हूँ। आपने ये कहा सोयाबीन 180 रुपए, सोयाबीन के किसान से पूछे क्या कीमत मिली उसको, आप किसानों की जमीन के व्यापार में कौन दे रहे हैं व्यापारी, बताइए ना एक जगह बताइए, अरे कौन कौन कूदा है सोयाबीन के कारोबार में, शिवम जी नाम पूछे, नाम बता दीजिए, आप लोगों के पास में फैक्ट नहीं है। शिवम चावड़ा जी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आप लोग बैठे, नहीं नहीं शिवम जी के पास में कोई सॉलिड रिस्पॉन्स नहीं है। शिवम जी के नेताओं ने लोकसभा, शिवम जी बात तो सुन लीजिए, अगर आप बात ही नहीं सुनेंगे, अबे जी एक मिनट, अबे जी एक मिनट रुक जाइए, शिवम जी एक मिनट, शिवम जी
शिवम जी, आपने एक चैलेंज दिया था, उन्होंने तीन पॉइंट सिलसिलेवार तरीके से, और मुझे लगता है कि आप पूरी तैयारी से आज अभय जी आए, मुझे लगता है बिल की कॉपी और अपने हाथ में रखे हुए, तो उन्होंने पढ़ के सिलसिलेवार तरीके से और जो जो अमेंडमेंट्स हुए थे उसको बताया, उन तीन अमेंडमेंट्स, उन तीन क्लॉजेस पर आपकी सफाई शिवम जी। मैंने ये कहा रजत जी, आपने तीन एक्ट की बात नहीं कही, मैं फिर कह रहा हूँ, अभी भी गलत बात कर रहे हैं अभय जी। मैं ये केवल ये कह रहा हूँ कि तीनों एक्ट के अंदर में कहाँ लिखा है कि देश में मंडी व्यवस्था खत्म होगी, सब झूठ बोलते हैं। इन तीनों एक्ट में कहाँ लिखा है कि एमएसपी की व्यवस्था खत्म होगी? इन तीनों एक्ट में कहाँ लिखा है कि किसानों की जमीन को हड़प लिया जाएगा? इसका जवाब दे दे, बात खत्म हो गई। आप लोगों को जमीन काटने की बात कहेंगे ना भाई? इस प्रकार की बरगलाने वाली बात कीजिए। मैंने सीधा सीधा स्पष्ट आपसे पूछा कि तीनों एक्ट के अंदर में कहाँ लिखा है कि मंडी व्यवस्था खत्म हो रही है? तीनों एक्ट में कहाँ लिखा है कि एमएसपी खत्म हो रही है? और तीनों एक्ट में कहाँ लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से देश के किसानों की जमीनों को हड़प लिया जाएगा? इसका वो जवाब दे देंगे तो आप बात कर लीजिएगा। अगर नहीं दे रहे हैं तो तैयार कर ले। ये खोखले की जो बातचीत है, और फिर मैं कह रहा हूँ, मेरे रस भाई बहुत तरीके की चोट पे कह रहा हूँ, यदि देश के अन्नदाताओं को लगता है तीनों कृषि कानून के अंदर में कोई त्रुटि है, उसको सरकार पूरा करने के लिए ठीक है। दो पॉइंट अभय जी, दो पॉइंट उठाया है आपने, जो पॉइंट तीन उठाए थे आप, दो पॉइंट शिवम ने उठाया है और साफ कहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला क्लॉज आप जो कह रहे हैं, मंडी वाला क्लॉज जो कह रहे हैं, एमएसपी वाला क्लॉज हो रहा है, शिवम ने तीनों सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कहीं ये क्लॉज ऐसा है नहीं कि हम जमीन ले लेंगे, कहीं ये भी नहीं कहा है कि हम मंडी खत्म कर देंगे, मंडी सिस्टम खत्म कर देंगे, एमएसपी को लेकर खत्म नहीं करेंगे, लिखा ही नहीं है। ठीक है, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ शिवम जी, एक मिनट आप ही की बात करो। अभय जी क्लैरिफिकेशन, मेरी मान्यता है, मैं ये साफ मानता हूँ कि जिसको एक्ट के नाम नहीं पता उसको कंटेंट नहीं पता। एक बात समझ लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग रटी रटाई बातें करते हैं। सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए, सुनिए, हो सकता है ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप आदमी नहीं हो, जरूरी नहीं कि आप पढ़ रहे हो, तीनों कोई बात नहीं। मैंने आपको संक्षिप्त में, जिससे कि आम आदमी और किसान समझ पाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने वो बात आपसे कही। आपके पास अगर मेरी बात का कोई जवाब है तो आप कह दीजिए, कोई नाम नहीं पता है, कंटेंट नहीं पता है, कागज नहीं पता, ये आप थोड़ी तय करेंगे। अच्छा चलिए, मैं आपको जोरदार तरीके से कह रहा हूँ, पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूँ, आपके पास मेरी बात का जवाब हो तो कह दीजिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं। कॉमर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस ये निकालिए, चलिए ये वाला निकालिए, एक मैं बताता हूँ आपको। भाई आपने एक मंडी के बाहर टैक्स का एग्जम्पशन कर दिया है, आप समझते नहीं है, मंडी के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा, मंडी के बाहर के ट्रेड में कोई टैक्स नहीं है, समझिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये मुझे लगता है ये बहस जो है, शिवम जी एक मिनट, शिवम जी, अभय जी एक मिनट, क्लोजिंग कमेंट्स क्योंकि लेना है। सरकार साहब, विपक्ष क्या काम करेगी, किसानों के साथ कैसे खड़ी रहेगी, किसान संसद की तरफ आएंगे, 30 सेकंड में आपका जवाब सरकार साहब। चावड़ा थोड़ा देर पहले बताया था, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चला, सही में हकीकत में गांधीनगर के चार आदमी एलएलपी कंपनी करके चलाता है, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गौतम अदानी और मुकेश अंबानी, ये चार एलएलपी कंपनी करके ये देश चला रहा है, ठीक है ना। और दूसरे नंबर बात है, किसान को जो मुद्दा है हम हमेशा समर्थन करते जाएंगे, जब तक हाउस में करेंगे, हाउस में करेंगे सरकार साहब, हाउस में भी समर्थन करेंगे, ठीक है, ठीक है, थोड़ा वक्त कम है, रुकिएगा सरकार साहब। नावेद साहब, आरोप यही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो है वो राजनीति खेल रही है इस पूरे उसके साथ, आने वाले समय में संसद मार्च है, लोकसभा राज्यसभा में आपके एमपीज हैं, समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन को कैसे देखती है? सिद्दीकी साहब, आपने बात कही है कि इसमें सियासत हम बिल्कुल कर रहे हैं, कोई नहीं हो रही, अगर सियासत कर रहे होते तो किसान तो बहुत तो नहीं उनको बैठे हुए, उन्होंने दुनिया भी देख ली, साथ भी देख ली, ठंड भी देख ली, किस तरह से खाना खाया, साथियों ने खाना पहुंचा, देश ने उनका साथ दिया है, ये सब देखा है, समाजवादी पार्टी सियासत आ गई इसमें, तो एक गुस्सा है देश के प्रधानमंत्री गृहमंत्री के खिलाफ, देश की भारतीय जनता पार्टी मरकजी हुकूमत के खिलाफ, तो एक गुस्सा है और ये गुस्सा जो है बहुत जल्द सामने, किस तरह से लोगों को पछतावा होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मलिक साहब, एक एक सवाल ये भी है जो लोगों के जहन में उठ रहा है
कि 26 जनवरी वाला मंजर लोग वो तस्वीरें भूले नहीं है, मलिक साहब बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, वो तस्वीरें भूले नहीं है। आज फिर ये सवाल उठा है कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा ही कोई मंजर पार्लियामेंट के आसपास, संसद भवन, राष्ट्रपति का निवास है, क्या लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिक्कत हो सकती है? आप भरोसा दिलाते हैं शो पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा मलिक साहब? अब की बार जत्थेदार थोड़े थोड़े आदमी भेजे गए। दूसरा मैं आपको बता दूं, अभी हमारा सत्ता पक्ष के साथ लड़ाई लड़ रहे थे और तमाम विपक्षी पार्टियां कहती थी कि हम आपके सहयोग करेंगे, अब की बार मौका आया है, ठीक है, ये देखेंगे मौका है संसद में, हाँ, लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है पार्टियां, ठीक है मलिक साहब, अब अमित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं शिवम चावड़ा जी को कहना चाहता हूं, मलिक साहब की कमी है, पढ़ के आया करें, ठीक है अभय जी बोलिए। और फॉर्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020 उसकी सेक्शन 2M निकालिएगा जिसमें ट्रेड एरिया परिभाषित किया, आज थोड़ा वक्त की कमी है, सेक्शन 6 निकालिए, सेक्शन 6 निकालिएगा जिसमें उसको टैक्स से एग्जम्प्ट किया गया है, किसी प्रकार की लेवी सेस नहीं लगाया जाएगा, उसके कारण मंडियां बंद हुई थी और ये हमने नोटिफिकेशन इश्यू किया था। आपसे प्रार्थना है अगली बार जब इस डिबेट में आए एग्रीकल्चर की तो कम से कम एक्ट के नाम टाइटल जरूर पढ़ कराइए। ठीक है शिवम जी, क्लोजिंग कमेंट, सरकार कैसे डील करेगी इस पूरे आंदोलन को जब ये संसद की तरफ बढ़ेगा? शिवम जी, हम देश के अन्नदाताओं के साथ हैं, हमारा एक ही उनसे फील है कि इन तीनों कानूनों के अंदर आपको कोई छुट्टी लगती है, आप सरकार से लगातार बातचीत कीजिए, उसका समाधान कीजिए और आंदोलन को वापस लीजिए। ठीक मेरे भाई, आज वक्त की थोड़ी कमी है, डिबेट चलती रहेंगी और प्रदर्शन भी चलेगा। शिवम चावड़ा जी बीजेपी से, अवैध दुबे जी कांग्रेस से हमारे साथ थे, नावेद साहब थे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, संजय सरकार और सावित मलिक किसान नेता भी थे। सबने साफ कहा कि विपक्ष एकजुट है, विपक्ष किसानों के साथ है, लेकिन बीजेपी का कहना है क्योंकि चुनाव है इसीलिए विपक्ष किसानों की आड़ ले रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहे इंडिया न्यूज़। पेट सफा तो हर रोग दफा और